लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबके मिटाए कष्ट कलेश ईश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है अंत आरंभ व मध्य यही है। शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति भक्ति की ये देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है हर युग का आधार यही है। के द्वार तक पहुंचाने वाली भक्ति मैं भक्ति हूँ। मैं पूजा हूँ परमात्मा से प्राप्त हर प्राणी के जीवन के प्रत्येक क्षण को परमात्मा के चरणों में ही समर्पण की अलख जगाने वाली पूजा मैं पूजा हूँ। समस्त शुभ शक्तियों के पश्चात नारद भी अपनी भक्ति का कवच कार्तिकेय को प्रदान करते हैं। ऋषि कश्यप से प्रताड़ित दिति तारकासुर को पुकारती है। दिति और तारकासुर के सामने विवश शुक्राचार्य पाता
पातालवासी असुर शक्ति, जाओ तीनों लोकों के स्वामी असुर राज तारकासुर की सहायता करो, जाओ। वरदानी पराक्रमी स्वयंभू सम्राट तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय 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 विजयी भव। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने अभियान में सफल हो और पीड़ित देवताओं और मानवों को दुष्ट तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त कर सकूं। हमारा आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है कुमार। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। वैसे तो आपको त्रिदेव त्रिदेवियों तथा समस्त महाशक्तियों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु तारकासुर से युद्ध करने से पहले आप परम देव श्री महागणेश का आह्वान कर उनकी कृपा प्राप्त करें। देवगुरु, मैं तो अभी अबोध बालक हूँ, मैं परम देव श्री महागणेश के आह्वान की रीति नीति से अनजान हूँ, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। प्रथम पूज्य परम देव श्री महागणेश का आह्वान करने जैसे कार्य में मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। मेरे साथ बोलें, ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वरदाय नमः। नारायण नारायण। कुमार, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे आप मेरे साथ कहें। हे परमदेव श्री महागणेश, आपने युद्ध में मेरे साथ रहने का नारद को वचन दिया है। कुमार, विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की लीलाओं पर इस प्रकार आप चकित ना हो, अपितु मैं जो कह रहा हूँ उसे आप दोहराएं। परम देव श्री महागणेश, आपने इस युद्ध में मेरे साथ रहने का देवर्षि नारद को वचन दिया है। इस कारण आप मेरे आह्वान को स्वीकार कर मुझे अपने पावन दर्शनों से धन्य करें। इस कारण आप मेरे आह्वान को स्वीकार कर और अपने परम पावन दर्शनों से मुझे धन्य करें। महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। प्रणाम परम देव श्री महागणेश। अब हम कुछ समय के लिए ही आपके प्रणाम के अधिकारी होंगे कुमार कार्तिकेय। अर्थात जब हम माता पार्वती के द्वितीय पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे तब आप मेरे बड़े भ्राता होंगे और हमारे प्रणाम के अधिकारी आप ही होंगे। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को उत्पन्न करने वाले परम देव श्री महागणेश, देवर्षि नारद ने सत्य कहा था। आपकी लीला को समझना साधारण क्या असाधारण बुद्धि वालों के लिए भी असंभव है। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, श्री महागणेश के इस कथन में लीला कहाँ से उत्पन्न हो गई? देवर्षि, परम देव श्री महागणेश मुझसे प्रणाम का अधिकार छीन लेने के इच्छुक है, जबकि इस सृष्टि की संरचना के मूल आधार परम देव श्री महागणेश हरेक के लिए पूजनीय है। जब वे मेरे छोटे भाई के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे
तभी परमदेव श्री महागणेश तत्व मेरे लिए तो पूजनीय ही रहेगा ना। ऐसा प्रतीत होता है कुमार कार्तिकेय कि तुम्हारी कृतिका माताओं ने तुम्हें बुद्धि के साथ ही साथ चतुराई की भी शिक्षा प्रदान की है। हे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तुम्हारी सहायता के लिए हम सदा वचनबद्ध हैं। तुम्हारा कल्याण हो। कार्तिकेय पर प्रहार करने के स्थान पर उसके समीप जा रहे हैं। तेरी आयु को देखकर मेरी युद्ध करने की इच्छा ही नहीं हो रही। जा, मैं स्वयं भूतार का सुर को युद्ध के लिए ललकारने की तेरी भूल को क्षमा करता हूं। जा बालक, जा, अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जा, जा जा। तारकासुर, तू ना ही तो बुद्धिमान है और ना ही वीर,
तुझसे युद्ध करने को मैं जितना अधिक उत्साहित था, वह उत्साह तो तेरी बातों से ही समाप्त हो गया। तू युद्ध भूमि में युद्ध करने के स्थान पर अपना बड़प्पन दिखाकर बिना कारण ही महान बनने का प्रयास कर रहा है। क्या तू नहीं जानता मूढ़ बुद्धि, माँ का आंचल एक पुत्र के लिए निश्चित समय तक ही होता है, उसके पश्चात वह पुत्र का कवच बनकर सदैव उसकी रक्षा करता है। बचाल बालक। क्या तू नहीं जानता कि तू इस समय किसके सम्मुख खड़ा है? मृत्यु से बढ़कर तो तेरी सामर्थ्य हो ही नहीं सकती, और मृत्यु से मुझे तनिक भी भय नहीं है, कारण मैं महाकाल देवाधिदेव शिव का पुत्र हूँ। किंतु आज मेरे प्रहारों से तेरी मृत्यु कितनी अधिक भयानक हो जाएगी, इसका अनुमान तेरा पिता महाकाल शिव भी नहीं लगा सकता। मैं तो प्रेमवश। प्रेम को अपने हृदय में ही रख तारकासुर, युद्ध भूमि में प्रेम की नहीं क्रोध की आवश्यकता होती है, क्रोध की। स्वयंभू। युद्ध नीति का ज्ञान अब क्या तू मुझे प्रदान करेगा? हाँ? ज्ञान तो कहीं से भी मिले, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। जाएं असुरा जाएं, अपना शंख फूंक कर युद्ध का प्रारंभ करें। तू क्या मुझसे युद्ध करेगा? मेरे धनुष की टनकार का भीषण स्वर सुनकर तू अचेत हो जाएगा। धनुष की टंकार से ही जय विजय का मूल्यांकन करने का इच्छुक है तो ये ले, सुन मेरे धनुष की टंकार। तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू वरदानी तारकासुर मात्र मेरी धनुष की टंकार सुनकर ही भयभीत हो गए। हे सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। सुंदर देवगुरु, तनिक देखें परम देव श्री महागणेश अपने भावी अवतार के बड़े भाई की सहायता किस प्रकार कर रहे हैं। क्या स्वयंभू तारकासुर के प्रहारों में इतनी भी शक्ति नहीं कि वह कुमार के समीप तक आ सके? और
कौन है वो गुप्त शक्ति जो स्वयं भूतार का सुर के प्रहारों को रोकने का प्रयास कर रही है? कौन है वो? प्रकट हो, मेरे समक्ष प्रकट हो। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, तेरा अंत करने के लिए तो शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की शक्ति ही पर्याप्त है। फिर तू अपने संहार के लिए मेरा आवाहन क्यों कर रहा है? ये भी तो देखो नारद कि बड़े भाई अपने छोटे भावी भाई की ओर बढ़ते हुए दिव्य अस्त्रों को कितनी चतुराई से काट रहे हैं। समर्थ ये इनसे जीवन यही है कर्ता यही है कारण अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन यही है कर्ता यही है कारण सारे जगत के भाग्य विधाता दुख हरता ये है सुखदाता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश।